हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल शमास किचन। तो आज मैं लेकर आई हूँ उन लोगों के लिए रेसिपी जिन्हें बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं आता है। आज से मैं उन लोगों के लिए भी वीडियोस डालूंगी जो बिल्कुल भी खाना बनाना नहीं जानते हैं, तो उनके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास पहुँचती रहे और काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ दलिया से। दलिया हमारे सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, ये आप लोग जानते ही हैं, और इससे आसान रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती है ब्रेकफास्ट के लिए और उन लोगों के लिए जो जॉब वगैरह करते हैं तो उनके पास वक्त नहीं होता है इतना। तो ये रेसिपी जल्दी से बन भी जाती है और सेहत के लिए भी काफ़ी अच्छी होती है। तो चलिए देरी ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप दलिया और इसे मैं अच्छे से भून रही हूँ। अगर आपके पास इतना भी वक्त नहीं है तो आप लोग इसे डायरेक्टली भी बना सकते हैं, उससे भी अच्छा बनता है, और अगर भून के बनाएंगे तो और भी अच्छा बनता है। इसे ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का सा सुनहरा करना है ताकि उसमें फ्लेवर आ जाए हमारे दलिया में और बिल्कुल खीर जैसा बनकर आएगा और खाने में भी मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 kg मिल्क। अगर आप लोगों को ज़्यादा मिल्क लेना है तो आप लोग ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम लेना है कम भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पे मैंने अमूल मिल्क लिया है फुल क्रीम वाला, आप लोगों को जो भी लेना है आप वो ले सकते हैं। और इसमें मैंने शामिल किया है 1/2 कप पानी। अगर आपको पानी कम करना है कम कर लीजिए, ज़्यादा करना है ज़्यादा कर लीजिए, या बिल्कुल भी अवॉइड करना है तो बिल्कुल अवॉइड कर सकते हैं। जब हमारे दूध में अच्छे से उबाल आ जाएगा तो मैं इसमें दलिया शामिल कर दूंगी और 3 छोटी इलायची, और इसे लो फ्लेम पर दलिया गलने तक हमें पकाना है। अभी चीनी नहीं डालना है इसमें। जब 80% हमारा दलिया बनकर अच्छे से तैयार हो जाएगा, एकदम गल जाएगा, तब हमें इसमें चीनी शामिल करना है। तो मैं यहाँ पे 2 चम्मच चीनी डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी क्योंकि ज़्यादा मीठा दलिया ना खाया नहीं जाता है और मज़ा भी नहीं आता है बिल्कुल भी। तो आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोगों को जितना भी चीनी डालना है आप उतना डाल लीजिएगा। और ये इतना मज़े का बन के आता है ना कि आप यकीन नहीं कर सकते। आप बनाओगे ना तब आप बताना मुझे कि कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे आप लोगों ने कैसा बनाया। और ये इतना हेल्दी होता है ना हमारी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा, तो इसे हमें हमेशा खाते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। बहुत ही इजी रेसिपी है और जल्दी से झटपट तैयार भी हो जाती है जैसा कि आप लोगों ने देखा ही। तो आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है मेरी वीडियोस से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ताकि आपके पास मेरी सारी वीडियोस पहुँचती रहे और आप लोगों को मेरी वीडियोस से हेल्प मिलती रहे। तो यहाँ पे मेरा दलिया बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। ये गर्म भी अच्छा लगता है और ठंडा होने के बाद तो फ्रिज में बहुत ही मज़े का बनता है, तो आप लोग इसे ट्राई कीजिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।